और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो बताती है कि यूपी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। यूपी के आगरा के हरी पर्वत इलाके में एक बड़े पेपर व्यापारी के बेटे का सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने व्यापारी प्रतीक वाशने के 6 साल के बेटे दिव्य को उस वक्त अगवा किया जब वो घर के अंदर साइकिल चला रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने अपहरणकर्ताओं का बाइक से पीछा भी किया, लेकिन वो अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में नाकामयाब रहे। अपहरण की ये पूरी घटना एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस मामले में पुलिस ने कई टीमों को लगा दिया है और पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल कागज व्यापारी का बेटा घर में साइकिल चला रहा था और इसी दौरान अचानक अपहरणकर्ता जो है घर में दाखिल हुए और बच्चे को किडनैप करके ले गए। हालांकि कई लोगों ने अपहरणकर्ताओं का पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वो फरार हो गए। वो दो लड़के थे बाइक पे, जो इनके छोटे बच्चे को अपने बाइक में बीच में बिठा के वो लोग ले गए हैं। ये सूचना है और इसी को, इस सूचना को जब पता चला हमें, उसके बाद सब जगह चेकिंग करवाई गई। अभी तक बाइक कौन सी है ये क्लियर नहीं, लेकिन लाल रंग की बाइक इन्होंने कहा है। हम आसपास की सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। हमारी क्राइम ब्रांच और बाकी सभी टीमें इस सारी घटना को अनर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता विवेक पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाकई अपराधी बेखौफ हो चुके हैं विवेक, क्योंकि घर के अंदर से अब किडनैप हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दिव्या, और ये भी केवल ऐसा मामला नहीं है। एक तो सबसे शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका जहां पर दोपहिया वाहन से आसानी से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें भी दिन दहाड़े बदमाशों की इतनी बड़ी जो है कह सकते हैं तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, और खास तौर से उसके घर के बाहर से ही, तो कहीं ना कहीं आगरा पुलिस के जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा और व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि SSP के आगरा की तरफ से कई बार कहा जाता रहा है कि पैदल गश्त की जाती है और कहीं ना कहीं व्यस्ततम इलाकों में, क्योंकि इस पर की कई बार लूट और चुनैती जैसी वारदातों को अंजाम देते रहे बदमाश, तो उसको देखते हुए यहाँ पर पिकेट की भी तैनाती की जाती थी। लेकिन उस वक्त पिकेट कहाँ थी, पुलिस गश्त कहाँ थी, इस पर सबसे बड़ा सवाल अभी तक खड़ा होते दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। पहाड़ से मैदान तक मौसम ने जबरदस्त करवट ली है और पहाड़ों पर एक हिमस्खलन की आशंका जताई जा रही है। DRDO ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमस्खलन की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दिल्ली NCR में बारिश हो रही है। आज सुबह से ही हवा की वजह से ठंड भी लौटने लगी है और कुछ देर पहले बारिश भी शुरू हो गई। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पड़ोसी राज्य हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है, जिससे फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम ने अचानक करवट बदली है और इसने एक बार फिर से लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया है। और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से पहाड़ों में भी इसका असर नजर आ रहा है। वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है। DRDO का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते इसका सबसे ज्यादा असर जो है फसलों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फसल कटने के लिए तैयार हो चुकी हैं और ऐसे में लगातार जो मौसम बदल रहा है, ओलावृष्टि हो रही है कई जगहों पर, उसका सीधा सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसी के चलते अब चिंताएं बढ़ना लाजमी है किसानों की भी। तो मार्च का महीना है और मार्च के महीने ने अचानक से मौसम को बदल दिया है। और दिल्ली NCR में किस तरह से मौसम ने मिजाज बदला है इसका जायजा लिया India 24/7 रिपोर्टर अनुराग चड्ढा ने। मौसम विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन पहले कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में लोगों को बारिश से थोड़ी मुक्ति मिलेगी, लेकिन आज सुबह के वक्त लोगों की नींद बादलों की गड़गड़ाहट के साथ खुली। जैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मौसम पूरी तरह से खुशनुमा हो चुका है। तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बादल आसमान में छाए हुए हैं और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मौसम एकदम से अपना मिजाज बदल लेगा। NCR के लोगों में इस बात की धारणा है कि वो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी होती है उन पर चलते हैं और उसके बाद ही वो अपना दिन तय करते हैं, लेकिन आज सुबह
लोगों को लोग जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मौसम बहुत बेहतर हो चुका है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। तो जो कुछ लोग हैं वो मौसम का मजा ले रहे हैं, लेकिन ये जो बारिश है ये किसानों के लिए बेहद ये घातक साबित हो रही है। इस मौसम में किसानों की जो फसल है वो लगातार ख़राब हो रही है। कुछ जगहों से हमें ये इनपुट भी मिला है कि बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं, तो कुछ लोग इस बारिश का मजा ले रहे हैं। तो किसान देख रहे हैं कि मौसम ने किस तरीके से उनको बर्बाद कर दिया है। और मौसम विभाग के अधिकारियों से अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी तो उनका कहना है कि अब जो ये बारिश शुरू हुई है, ये जो बारिश की झड़ी है ये कई दिन तक चालू रहेगी, ऐसा इनपुट मौसम विभाग के अधिकारियों से मिला है। इसके अलावा खुशनुमा मौसम की वजह से जहां लोगों में पूरी तरह से उत्साह है, तो वहीं जो सड़क है, सड़कों का ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया है। कई जो रेड लाइट हैं NCR की, दिल्ली की, वो ख़राब हो गई हैं। तो जो लोग ऑफिस सुबह सुबह बारिश के मौसम में निकले हैं उनको लंबे जाम से रूबरू होना पड़ रहा है। नोएडा से कैमरामैन अमित के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। और अब बात पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अगले कुछ घंटे काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। तीन राज्यों के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी हिमस्खलन हो सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। DRDO के स्नो एंड एवलॉन्च स्टडी संस्थान ने ये चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के जिन जगहों को मीडियम डेंजर जोन में बताया जा रहा है उनमें पुलवामा, बांदीपोर, कारगिल, शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम, रजौरी, पुंछ और डोडा शामिल हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के मीडियम डेंजर वाली जगहों में लाहुल, स्पीति और कुल्लू, चंबा, किन्नौर शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों को मीडियम डेंजर जोन में बताया गया है। उधर लगातार तीन दिनों से बारिश के कारण वैष्णो देवी गुफा के करीब लैंडस्लाइड से जमीन का एक हिस्सा खिसक गया है, जिसके चलते भवन मार्ग में करीब 30 फीट एरिया में दरारें आ गई हैं। और अब श्रद्धालुओं के लिए बाथिंग घाट के VIP गेट को खोल दिया गया है और ऐसे में मरम्मत न होने तक VIP आर्मी गेट नंबर 5 और गेट नंबर 1 आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 21वीं सदी में हैं, दुनिया तरक्की कर रही है और दुनिया के साथ साथ लोग भी तरक्की कर रहे हैं। इस तरक्की की दुनिया के बीच लोग इतना बिजी हो गए हैं कि उन्हें अपनी निजी जिंदगी के लिए वक्त ही नहीं, यहां तक कि शादीशुदा कपल्स के पास बच्चे पैदा करने तक का वक्त नहीं। हम बच्चे पालने की नहीं बल्कि बच्चे पैदा करने की ही बात कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों स्वस्थ होने के बाद भी वक्त की कमी के चलते अब बच्चे पैदा करने के लिए फर्टिलिटी क्लिनिक्स का सहारा ले रहे हैं, जो हैरान करने वाला है। भागदौड़ भरी जिंदगी और मेट्रो सिटीज की लाइफ तो और भी तेज, इन सब के बीच बच्चों की टेंशन। आज के कपल्स के पास बच्चे पैदा करने तक का वक्त नहीं है। बच्चे पैदा करने के लिए पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए वक्त नहीं है। विदेश में नौकरी के सिलसिले में सालों तक घर से बाहर रहने और पति पत्नी के अलग अलग शिफ्टों में काम करने की वजह से उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसके लिए अब बच्चे पैदा करने में सक्षम दंपत्ति भी फर्टिलिटी क्लिनिक्स का सहारा लेने लगे हैं। आजकल एज एट मैरिज ही इंक्रीज हो गई है, तो बाय द टाइम कपल शुरू करते हैं बच्चे करना, दे स्लाइटली ओल्डर देन दे यूज्ड टू बी अ लॉन्ग टाइम बैक। एक तो वो चीज़, देन एवरीबडी इज़ बिजी, वो एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है साथ होने के लिए, एंड देन ऑब्वियसली सबका प्रेशर हो ही जाता है बच्चे करने का, तो आई गेस दैट्स वन रीज़न व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। इस तरह के कपल्स के लिए इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन एक पॉपुलर विकल्प रहा है। इस प्रक्रिया के तहत स्पर्म को गर्भाशय में डाला जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे कपल बढ़ते जा रहे हैं जो इस तरह से संतान पैदा करना चाहते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि ऐसी प्रेगनेंसी के लिए टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है। देयर आर केसेस जिसमें एक्चुअली इंडिकेटेड है, लाइक अगर आप एक्चुअली नहीं पास हो पा रहे हो, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग अवे, तो फिर तो हाँ इंडिकेटेड है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि नहीं, वी डू नॉट एक्चुअली हैव एनफ टाइम, उसलिए तो नहीं, एवरीथिंग नेचुरल इज बेटर। ये प्रक्रिया इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF से कम खर्चीली है। IVF के तहत महिला अंडाणु और पुरुष शुक्राणु को शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उससे निर्मित भ्रूण को गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि इस प्रक्रिया के तहत स्पर्म को महिला के गर्भाशय में डाला जाता है।
जो बेसिक जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है दैट इज IUI. अगर एनाटमी पूरी ठीक हो अंदर एंड द बेसिक प्रॉब्लम इज कि अंदर गैमेट्स या स्पर्म्स अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज कि हम स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर डालते हैं. दैट स्लाइटली अ सिंपलर प्रोसेस. द अदर वन इज IVF जिसमें या तो फॉलिकल्स गैमेट्स इन द सेंस कि ओवा या फिर स्पर्म एडिक्वेटली बन नहीं पा रहे हैं या फिर जो उनका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो ठीक जगह तक आ नहीं पा रहे हैं उस केस में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हम करते हैं उसको IVF बोलते हैं जिसमें हम स्पर्म्स को एंड ओवा को बाहर निकालते हैं बाहरी फर्टिलाइज कराते हैं फिर अंदर डालते हैं यूट्रस के. आजकल बेहद पॉपुलर होने के बाद भी डॉक्टर्स मानते हैं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ठीक नहीं हैं और नेचुरल प्रोसेस को ही वो सबसे बेहतर मानते हैं. नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि एक मैरिड कपल को एक साल साथ रहना चाहिए. अगर एक साल में साथ रह रहे हैं दे बीन स्लीपिंग टुगेदर फॉर 1 ईयर और उसके बाद अगर बच्चा नहीं ठहरता तो हम एडवाइस करते हैं कपल्स को कि वो फिर उसके बाद टेस्टिंग करें. या फिर इन सम केसेज जहाँ पे आपको पहले ही पता है कि लड़की की माँ या फिर किसी और केस में पहले ओवेरियन फेलियर शुरू हो गया है या फिर उसको आपको कुछ और दिख रहा है कि किसी और कारण से उसकी ओवरीज को आपने पहले रेडिएशन दिया हुआ है 35 से ज़्यादा एज है अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो आई वुड एडवाइस कि हाँ मैरिज की स्टार्टिंग में ही आप थोड़ा सा एडवांस फर्टिलिटी के कोर्सेज का कुछ कर सकते हो. अगर ये नहीं है तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बिकॉज एवरीथिंग नेचुरल इज नेचुरल इन द एंड. IVF के जरिए संतान पैदा करने में 2 लाख रुपए तक का खर्च आता है जबकि इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन के जरिए सिर्फ 8,000 में ही ऐसा संभव है और इसलिए ऐसे कपल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं. गीतिका वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24/7. सोचिए अगर हरी मिर्च का स्वाद मीठा हो जाए हरी मिर्च लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए. जी हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है. हरी मिर्च का स्वाद वाराणसी के किसानों को मीठा लगने लगा है. हरी मिर्च की खेती वाराणसी के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने लगी है और ये सब हुआ है एक रिसर्च के बाद. मिर्च की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. अब इन किसानों को हरी मिर्च के सड़ने का खतरा नहीं होगा और न ही सड़ने के डर से अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचेंगे. दरअसल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे हरी मिर्च अब हमें पाउडर के रूप में मिल सकती है. यानी हरी मिर्च जल्द ही पाउडर के रूप में अब सबके भोजन में शामिल हो जाएगी. हमारे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने एक विधि विकसित की है जिससे कि उसका पाउडर बनाया जा सकता है. तो ये पाउडर बनाने की तकनीक जो है लाइफोलाइजिंग टेक्निक से बनाया गया है जिससे कि ये हम धूप में सुखा करके जो है मिर्ची को जो है नहीं पाउडर बनाते हैं बल्कि लाइफोलाइजिंग टेक्निक से जो है मिर्ची को सुखा करके और उससे जो है पाउडर बनाते हैं. ये तकनीक कृषि विज्ञान संस्थान में यमन से आए छात्र मोहम्मद अल सवई ने विकसित की है. अल सवई ने हरी मिर्च का पाउडर बनाने में सफलता हासिल की है. इसके लिए 4 तरीके अपनाए गए. मिर्च की पानी से सफाई के बाद इसके डंठल निकाल देते हैं और लंबे लंबे 2 भागों में काट दिया जाता है. फिर पोटेशियम पर मैग्नेट नाम के केमिकल में डाल दिया जाता है. फिर इसे निकालकर रूम टेम्परेचर में 6 घंटे तक रखा जाता है. इसके बाद मिक्सी ग्राइंडर में पाउडर बना लेते हैं. After that we remove this steam, after that washing, after that we cut this chili, after that we divide it to 4 groups, one group for sun dryer, another group for freeze dryer, another third group for sun dryer, tray dryer and vacuum dryer, 4 groups. It takes around 7 days to prepare this whole powder from sun dryer. It takes more time in tray dryer because he make drying at 50 degree centigrade and lyophilization also is time taking, but all of them method, this sun drying and tray drying, I think is the best method to retain this green color. इतना ही नहीं ये मिर्च पाउडर गुणकारी भी है. इसके उचित सेवन से हीमोग्लोबिन खून की कमी पर नियंत्रण करता है. ये उन महिलाओं के लिए खास लाभप्रद है जिन्हें गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है. इसके अलावा अस्थमा, रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों को भी ये फायदा पहुँचाता है. मिर्च के अंदर आयरन सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन होता है, हरा रंग होता है जिससे कि खून बनाने में मदद करता है, क्लोरोफिल होता है.
तो यदि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बच्चे हैं या जो 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 माताएं हैं अपने शिशुओं को दूध पिलाती हैं, या जो गर्भवती माताएं हैं उनके अंदर एनीमिया की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उस डिजीज को या उस रोग को हरी मिर्च का जरा सा मात्रा में, जैसे हरी मिर्च का प्रयोग, हरी मिर्च के पाउडर का प्रयोग किया जाता है, किया जाए तो वो कमी की। तो घरों में लाल मिर्च के पाउडर के तड़के को छोड़ हरी मिर्च से तड़का लगाने को तैयार हो जाइए। जल्द ही कृषि विज्ञान संस्थान इस तकनीक को बाजारों में लाने की तैयारी कर रही है, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद होने के साथ ही अन्नदाता किसानों को उनके मेहनत का फल भी देगा। वाराणसी से रवि कुमार, इंडिया 24/7। लखनऊ में बीती रात गश्त पर निकले सब इंस्पेक्टर आरबी द्विवेदी को बदमाशों ने गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो गश्त पर निकले हुए थे और तभी दुकान में चोरी कर रहे बदमाशों को रोकने पर बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। और इसी खबर पर अच्छा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या बदमाशों के बारे में कुछ पता चल पाया है और एसआई की हालत अब कैसी है? जी देखिए, इस बार लखनऊ में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। ये आरबी द्विवेदी घर लौट रहे थे व्यस्त करते हुए, तभी दो बदमाश इन्हें दिखाई पड़े जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की। एक बदमाश को इन्होंने बताया जा रहा है पकड़ भी लिया था, जिसके बाद दूसरे बदमाश ने इनके कमर में गोली मार दी, जिसके बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अभी बदमाशों का कोई पता नहीं चला है और इनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है और ये ट्रामा में भर्ती है। तो पुलिस के लिए इस बार काफी बड़ी चुनौती है राजधानी लखनऊ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी समुद्री सैर जो बेहद ही खास है, काफी लग्जीरियस है और इतनी मार्वलस है कि इसके बारे में सोचकर भी आप रोमांच से भर जाएंगे। इस खूबसूरत जर्नी का नाम है हार्मनी ऑफ द सीज, एक ऐसी सैर जो जिंदगी भर नहीं भूलेगा कोई। पहली बार ये क्रूज शिप समुन्दर में उतर चुका है और जल्द ही ये हमारी और आपकी सर्विस के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचे और टाइटैनिक से भी ज्यादा ग्रैंड इस क्रूज शिप की झलक और इसकी खासियत के बारे में भी। इस रिपोर्ट को देखिए।